1911 यानी वो वर्ष जब पहली बार एक विमान ने एक जलपोत पर से उड़ान भरी। इसी वर्ष ने और भी कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी। भारत में एयरमेल की शुरुआत हुई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा, सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार हुआ और सबसे अहम बात ये कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली हो गई। यही वो दौर था जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, जब सामाजिक एकता के लिए एक सामूहिक सामुदायिक मेल की जरूरत थी। तभी महादेव राव जी तेलकर के विराट नेतृत्व में एक समुदाय ने अपनी पहचान अखिल भारतीय भावसार क्षत्रिय महासभा के रूप में बहाल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक समुदाय की एक दास्तान भी है, जिसने अपनी गरिमा को हासिल किया अपने समर्पण, भरोसेमंदी और कड़ी मेहनत से। ये दास्तान है उस समुदाय की जिसे कहते हैं भावसार क्षत्रिय। भावसार क्षत्रिय एक ऐसा समुदाय है जिसकी शुरुआत हुई पूर्व पाकिस्तान के सौराष्ट्र से। माना जाता है कि इसकी स्थापना दो युवा राजकुमारों ने की थी, भाव सिंह और सार सिंह। उन्होंने भगवान परशुराम से संरक्षण मांगा था, जिन्होंने क्षत्रियों को खत्म करने का प्रण लिया था। जिस जगह भाव सिंह और सार सिंह ने हिंगलाज माता या हिंगुलांबा यानी समुदाय की कुल देवी की प्रार्थना की थी, वो कराची में है जो आज पाकिस्तान में है। एक बार देवी सती यानी भगवान शिव की पत्नी ने अपने पिता के क्रोध के कारण खुद को जला लिया था, जो शिव को एक अनुष्ठान में शामिल न करने पर बहुत गुस्सा हो गई थी। इस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को लिया, इसे 51 हिस्सों में बांटने लगे जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। हिंदुओं का मानना है कि सती का सिर बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के क्षेत्र में गिरा, जिससे ब्रह्मरंध्र का निर्माण हुआ। देवी सती ने हिंगुल या सिंदूर लगा रखा था ताकि ये पता चले कि वो विवाहिता थी और उनके पति जीवित थे, इसलिए ये हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंगलाज वर्तमान भारत पाक उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा तीर्थ है। ये तीर्थ कर्णराज की तलहटी में एक पहाड़ी गुफा में स्थित है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में लियारी जिले के मकरान स्थान पर हिंगोल नदी के किनारे पर खैरत पहाड़ों में मौजूद है। हर साल फाल्गुनी त्रयोदशी पर होली के बाद हिंगलाज माता जयंती मनाई जाती है। हमारा समाज जो भावसार क्षत्रिय समाज है, बहुत पुरातन समाज है। हमारे जो वंशज भाव सिंह सार सिंह, तो परशुराम के टाइम पर बोला तो कम से कम 5000 साल से हमारा इतिहास जुड़ता है। व्यापार के लिए बाद में क्षत्रिय होने के नाते युद्ध में वहाँ से गुजरात आए, सौराष्ट्र में आए। प्रवास पट्टन गांव से हमारा प्रवास शुरू हो गया भावसार क्षत्रिय समाज का। गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, ये सब जगह हमारे भावसार क्षत्रिय समाज जाके अपने अपने व्यवसाय के लिए उधर स्थायी हो गए। आज भावसार समुदाय के लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है और ये अधिकतर कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इस प्रवसन की मुख्य वजह थी मूलभूत सुविधाओं की कमी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की खोज। भावसार लोगों को उनकी सरल, सहिष्णु और सबके साथ मिलकर चलने वाली जीवन शैली के लिए जाना जाता है और ये स्थानीय सभ्यता और परंपराओं के अनुसार ढल भी जाते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के प्रवसन कर गए भावसार लोग अपनी मातृभाषा मराठी ही बोलते हैं। आपल्याला एकच करायचं मित्रांनो, आजपासून मी काय बिझनेस करतो, मला लागणाऱ्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, आमच्या दिलीप भावसारला जर इलेक्ट्रिशियन जर पाहिजे असेल तर त्यांनी दुसरा इलेक्ट्रिशियन काय बोलवायचा। साथ ही वे विभिन्न स्थानीय भाषाएं भी बोलते हैं।
भावसार लोगों का मुख्य व्यवसाय है कपड़े और टेक्सटाइल। भावसार समुदाय ने खुद को बदलती स्थितियों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। ये कपड़ा उद्योग से औषधियों में और व्यवसाय प्रबंधन से इंजीनियरिंग की ओर गए, परंतु ये प्रगति न तो तेज थी और न ही आसान। भावसार लोगों को अक्सर अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी, दोबारा बसना पड़ता था, खुद को नए माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता था, अपनी सभ्यता को कायम रखते हुए नई सभ्यताएं अपनानी पड़ती थी। भावसारों ने कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग को एक नया समृद्ध रूप दिया। भावसार क्षत्रियों ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कई विपरीत स्थितियों और गरीबी से संघर्ष किया। भावसार क्षत्रिय और भी नामों से बुलाए जाते हैं, जैसे रंगरेज, दर्जी, शिम्पी और रंगारी, जो हिंगुलंबिका देवी, देवी भवानी और भगवान विष्णु के अवतार रुक्मिणी पांडुरंगा की पूजा करते हैं। अखिल भारतीय भावसार क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1911 में धारवाड़ में इसके संस्थापक अध्यक्ष हरिहर के श्री महादेव राव जी तेलकर द्वारा की गई थी। श्री रानोजी राव, श्री एस भांबुरे, श्री श्रीनिवास राव टिकारे, श्री एल रामचंद्र राव उत्तरकर, श्री जी जी रामपुरे, डॉक्टर एम डी महेंद्रकर, श्री इच्छाराम भावसार और श्री कल्याणदास गडाले तथा अन्य अनेक हस्तियां इस महासभा को उत्कर्ष की ओर ले गईं। फिलहाल अध्यक्ष के रूप में श्री नारायण राव बी तातुस्कर, महासचिव के रूप में श्री के जी टिकारे और खजांची के रूप में श्री सुरेंद्र एम इजंतकर समाज बांधवों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में लगे हैं। ओवर अ पीरियड वी हैव डेवलप्ड अ विजन, वी हैव डेवलप्ड अ लीडरशिप एंड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रीच वी हैव मेड सब्सटैंशियल प्रोग्रेस। महासभा ऑल द टाइम वॉज एडमिनिस्टर्ड विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर 1911, इट वॉज brought on record on 1917. Since then, so much of developments have taken place. I brought out a sea change in the constitution, redrafted it with a committee. The presidents who have been elected right from 1911, they have rendered a very pivotal role in developing the Mahasabha first. The foremost concept of those presidents was to bring all Bhavasas together to a common platform. I am very happy to state that a website has been developed. That even Mahasabha had paid 10 lakhs rupees, we would not have that type of quality of website. We got our community included in the backward class communities, got it identified, through which we had lot of lands, free lands allotment. In Andhra Pradesh, we have constructed 500 houses from the government for free allotment of land. Such of those schemes we were taken so that the lot can be improved for our Bhavsar. We are supporting education, scholarships we grant you. We give all facilities, adoption of the children for education. All these things we are making. We are happy. For holding a conference, for any functions, for anything, we are all going to them, requesting them to contribute and see that we rededicate ourselves in the conferences for service of the Bhavsar. It is that concept is going on. In the coming 50 years, we do not want to do that. Our properties we will develop. We support them monetarily. We are very keen to develop it. At the same time, we would like to achieve 90% education. महासभा के आरंभिक वर्ष, भावसार युवा परिषद और भावसार महिला परिषद का गठन। महासभा का संविधान 1917 में गठित हुआ, 1917 से 1963। इस दौरान ये अधिकतर कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही सक्रिय था। इसका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन यानी प्लेनरी सेशन धारवाड़ में आयोजित किया गया। 1963 के बाद
महासभा की उपस्थिति न केवल पूरे भारत में महसूस की गई बल्कि विदेशों की भी कुछ संस्थाओं के साथ इसका मिलाप हुआ। महासभा आज भारत के हर राज्य में सक्रिय है जहां समाज बांधवों की अच्छी खासी तादाद है। 1967 के दौरान डॉक्टर एमडी महेंद्रकर द्वारा ग्रेजुएट्स फोरम की स्थापना हुई। सन 2000 में नारायण राव तातोसकर की प्रेरणा से गठित भावसार विजन, 2010 में गठित डॉक्टर्स फोरम और एंटरप्रेन्योर्स फोरम और 2011 में रचित भावसार इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समाज को एक नई दिशा देने और समाज के सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त साबित हुए हैं। अभी तमिलनाडु में हम वधू और मेला किए हैं और बच्चे के लिए किताब के लिए पैसे दिए हैं और पुअर लेडीज के लिए कपड़े दिए हैं, फ्री मैरिज किए हैं हमने, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ग्रेस लोक समाजासाठी वेळ देतात, काही लोक आर्थिक दृष्ट्या मदत करतात आणि काही लोक आर्थिक दृष्ट्या आणि समाजासाठी वेळ हे दोन्ही देतात। ह्याच्यासाठी समाजाची प्रगती कसं होईल ह्याच्यासाठी त्यांचा वेळ आणि पैसा हे आमच्या महासभेसाठी हवा आहे। विद्या उत्कर्ष निधी है, उसके बाद में भवसार ज्योति का जो मैगजीन चलता है उसके अंदर हम बहुत सारे मेंबर्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी मिली है। तुलजापुर में जो धर्मशाला अखिल भारतीय भवसार क्षेत्रीय बना रहे हैं उसमें 15 रूम हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश से आए हैं। एबीबी के महासभा कई परिसंपत्तियां अर्जित कर चुकी है ताकि उन्हें सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सके। इनमें से कुछ हैं धारवाड़ में श्रीनिवास राव टिकारे के नेतृत्व में रचित केटी बोर्डिंग, निशुल्क विद्यार्थी निलय एवं मंगल कार्यालय, श्री रामचंद्र राव उत्तरकर की अगुवाई में महाजनवाड़ी मुंबई स्थित एबीबी के मुख्यालय, हुबली में नवले परिवार और बाबूराव तातुस्कर द्वारा निर्मित विद्यार्थी निलय, नारायण राव बी तातुस्कर की पहल पर बनी तुलजापुर स्थित धर्मशालाएं, गिरिजाबाई महेंद्रकर के नेतृत्व में बंगलूर का महालक्ष्मी मंदिर और महालक्ष्मी भवन व औरंगाबाद की महिला परिषद द्वारा संचालित वृद्धाश्रम। समय की पुकार जानकर हमने ऐसा तय किया कि हमें वृद्धाश्रम अखिल भारतीय महिला परिषद के नेतृत्व में बनाए। इंग्लैंड माता हाउसिंग सोसाइटी है औरंगाबाद में, वहाँ पर ही वृद्धाश्रम बनेगा। समाज के विकास में युवा मस्तिष्कों और हृदयों की हिस्सेदारी एक सामान्य बात है। नए विचार, कार्यकलाप, दूसरों से मुकाबले में आगे निकलने का जोश, दमदार राय, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में आसानी एक बेहतर समाज बनाने संबंधी कोशिशों में काफी सुधार ला सकते हैं। भावसार युवा परिषद समाज की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने में वरिष्ठ नेतृत्व का संपर्क युवाओं के साथ कराने में कामयाब रही है। युवा परिषद के कार्यक्रम व परियोजनाओं की काफी प्रशंसा हुई है। सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी 18-45 एज ग्रुप में रहने वाले युवा एक छत के नीचे आने के लिए हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो रफ्तार से हम लोग काम कर रहे हैं, शायद आप एक दो साल में युवा परिषद के बारे में आप सबको पता ही होगा। समाज सेवा एक स्टाइल में करने का एक सही प्लेटफॉर्म और एक डेडिकेटेड युवा टीम आप सबके सामने है। प्लीज आइए और आपके विशेष, आपके सपोर्ट हमको दीजिए। बॉन्डिंग भवसार का प्रतीक वाक्य है ईच वन रीच वन। ये एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जिसे भावसार लोगों और उन लोगों के बीच एक सेतु निर्मित करने हेतु बनाया गया है जिन्हें मदद चाहिए और जो मदद करने के उत्सुक हैं। भावसार लोगों को ऐसे प्रतिभावान लोगों की दास्तानें नेट पर डालने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनमें प्रतिभा तो है पर वे संसाधनों से हीन हैं। ये भावसार युवा परिषद के ऐसे प्रयासों में से एक है जिसका सदुपयोग हजारों इस्तेमाल करने वाले और जरूरतमंद लोग करते हैं। इन 100 इयर्स आवर विजनरी लीडर्स हैव बॉट अप द 3 पॉइंट्स, कोऑपरेशन, डेडिकेशन एंड बॉन्डिंग। विद दिस 3 थिंग्स दे हैव
we have come a long way of 100 years. And next 100 years, my wish is to see, because there are a lot of educated people now. If you see 100 years back, there was no education. So they started with their a job of a tailoring. And with that, they can do of 100 years of dedication and cooperation and bonding. So next 100 years with the new technology, with new education, the youth with the higher education, we can definitely achieve much more than that. आमचं युथला मी एक कॉल करतो की ते टेक्नॉलॉजी यूज करून आमचं एज्युकेशन यूज करून हे 100 वर्ष आमचं काय पेरेंट्सनं 100 वर्ष दिलेलं आहे हे नेक्स्ट 100 वर्ष आमचं रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की महासभाला पुढे घेऊन जायला पाहिजे. ग्रेज्युएट्स परिषदने भावसार ग्रेज्युएटों में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी ले ली है ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में नए दौर के करियर अवसरों जैसे फैशन डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ और अन्य सेवा क्षेत्र आदि का लाभ उठा सकें। भावसार विजन इंडिया ऐसे लोगों का एक गठजोड़ है जिसके एक समान लक्ष्य हैं, जो शिक्षा, रोजगार और उद्यम विकास, व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण व ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मित्रता का आनंद, शिक्षा जारी रखने का माध्यम, मनोरंजन, सामाजिक कौशल यानी स्किल्स का विकास, मूल्यों का विकास, व्यावसायिक तथा आर्थिक विकास इस क्लब जैसी गतिविधि के लाभ हैं, जिसका नाम है भावसार विजन। इसने भावसार बंधुओं के बीच परिचय बढ़ाने के अवसर पैदा किए हैं, जिससे समाज बंधुओं का उत्थान हो पाया है। भावसार महिला परिषद महिलाओं को संगठित करने और उन्हें सामाजिक पूंजी बनाने के प्रति प्रेरित करने तथा अपना समय लगाने, स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क बनाने और एक ऐसा मंच बनाने के लिए बढ़ावा देता है, ताकि वे सामाजिक बदलाव ला सकें और एक समग्र तरीके से परिवारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकें। मुलींची संख्या ही जास्ती नहीं व्हावी, मुली नहीं व्हावेत म्हणून भ्रूणहत्या हे आजकाल खूप प्रचलित चाललेलं आहे. त्या विरुद्ध आम्ही खूप मोठा कार्यक्रम राबवलेला आहे. प्रत्येका गावामध्ये जाऊन प्रत्येका सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये आम्ही हे भ्रूणहत्या नाही करावं म्हणून त्याचा आम्ही प्रचारित करीत आहोत. ही आम्ही प्रत्येका महिलांना आम्ही शपथ घ्यायला लावलेला आहे की भ्रूणहत्या हे करू नका, स्त्री जन्माचे तुम्ही स्वागत करा. भावसार समाजने पूरी दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन के क्षेत्र में नामी ग्रामी लोग पैदा किए हैं. भावसार डॉक्टर्स फोरम ने डॉक्टरों को जरूरतमंदों की सेवा करने के मामले में सहूलियत दी हैं। इनमें सुपर स्पेशलिटीज भी शामिल हैं, भारत में भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। भावसार एंटरप्रेन्योर्स फोरम सामान्य तौर पर पूरे भारत के नागरिकों और विशेष तौर पर भावसारों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन के अवसर पैदा करने में लगा है। भावसार एंटरप्रेन्योर्स फोरम के लंबी अवधि के लक्ष्यों में एक उपयोगी और सुसंगत प्रवीणता विकास का माहौल बनाना, हमारे युवाओं को प्रेरित, शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे स्थानीय उद्योगों में रोजगार पा सके, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना, अगुवाई और समय पर हस्तक्षेप करके नेतृत्व का निर्माण करना प्रमुख है। इस मंच का निर्माण इसलिए किया गया ताकि उन सभी भावसार लोगों की बेहतरीन पद्धतियों और नेटवर्क को दूसरों के साथ बांटा जा सके जो कामयाबी का मंत्र जानते हैं। ये विकास की शुरुआत करने और उभरे हुए भावसार उद्यमियों के सपनों को सच करने का माध्यम बन गया है। भावसार इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उद्देश्यों में समुदाय के कल्याण को उत्कर्ष की ओर ले जाना और पूरी दुनिया में भावसार लोगों के हितों को बढ़ावा देना शामिल है। भावसार पुरस्कार उन भावसार बंधुओं को दिए जाते हैं जिन्होंने विशेषकर भावसार लोगों और सामान्य तौर पर समाज की बेहतरी के प्रति अपना योगदान दिया है। समाज भूषण ऐसा सबसे उच्च पुरस्कार है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भावसार लोगों और समाज की स्थिति में अतुलनीय परिवर्तन किया है। अब तक ये पुरस्कार 115 लोगों को दिया जा चुका है। लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन शीर्षस्थ भावसार बंधुओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए विशेष योगदान दिया हो।
अमर रत्न पुरस्कार उन लोगों को मरणोपरांत दिया जाता है जिन्होंने भावसार समाज के प्रति अपना अमूल्य योगदान दिया हो। अब तक ये पुरस्कार 9 लोगों को दिया गया है। भावसार क्षत्रिय समाज बंधुओं का एक मानना यह है कि अपनी कुल देवी हिंगुलांबा देवी के दर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन अब हिंगुलांबा देवी का दर्शन करना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि ये मंदिर अब पाकिस्तान में है। इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय किया गया कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंगुलांबा देवी के मंदिर की एक प्रतिकृति यानी रेप्लिका भारत में हुबली धारवाड़ के आसपास बनवाई जाए, जिससे हिंगुलांबा देवी का दर्शन करने में समाज बंधुओं को आसानी हो और मोक्ष पाने की अनुभूति भी मिले। आज तक 100 साल के अंदर 17 अध्यक्ष हो गए और मैं 18वां अध्यक्ष हूँ। सबसे पहला था मेरा एम टू एक्सेल। जब भी लाइफ में हम एक्सेल करते हैं तभी हमको कंपटीशन नहीं रहती है, ये इसमें मैं बिलीव करता हूँ। 40 साल के अंदर के हमारे भावसार है, इनको लिए प्लेटफॉर्म बना के देना है हमको, और उनको तैयार करने के लिए तो 40 लाख भावसार को बॉन्डिंग करना इतना ईजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन टेक्नोलॉजी से ये हो सकता है। हमने जब अपील किया, हमारे समाज के लोगों को अपील किया, तभी उधर से हमारे आईटी प्रोफेशनल में हमारे समाज के जो लोग हैं वो उधर काफ़ी लोग आए थे और आधा घंटे के अंदर उन्होंने वेबसाइट रजिस्टर किया और एक महीने के अंदर एक सुंदर सा वेबसाइट हमको बना के दिया। मेरा समाज 5 समाज के अंदर अग्रगण्य समाज में जाने के लिए पहला स्टेप था। हमारे समाज के लीडर्स जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को वो ठहर सके, कॉम्पिटिशन को वो सर्वाइव हो सके, इसके लिए मैंने लीडरशिप कैंप बनाया। एम्पावर करने के लिए खुद मैंने 150 वर्कशॉप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिए है और हमारे 15,000 भावसार समाज के यूथ को, लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम मैंने एक रखा कि आगे के हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए जो हमारे पूर्वज थे कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बना के रखी थी महासभा के अंदर, तो उसको डेवलप करने के लिए मेरे सामने है हर एक स्टेट के अंदर एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, हर एक स्टेट के अंदर हमारा एक MBA कॉलेज होना चाहिए, हमारा एक रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जैसा इंटरनेशनल स्कूल होते हैं वैसे स्कूल होना चाहिए। तो ये सपना हमने देखा कि आगे 100 साल के अंदर करना है। तो ये कॉलेजेस, एजुकेशन, बीबो थ्रू बिजनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा डॉक्टर्स फोरम, ऐसे काफ़ी फोरम हम बना के महासभा को एक एक स्टेप हम आगे चलेंगे कि आगे हमारा पूरा मेरा फोकस है कि मेरा समाज नंबर 1 होना चाहिए। महासभा की परिकल्पना है कि भावसार समाज को राष्ट्र का सबसे सम्मानित समुदाय बनाया जाए और भारत तथा विदेशों में सभी भावसार लोगों को एक साथ लाकर सशक्त बनाया जाए, सहयोग की शक्ति का लाभ उठाया जाए। समय के साथ साथ महासभा भावसार लोगों के कल्याण के लिए एक अभिभावक संगठन बन गया है। अब चाहे भावसार लोगों को समाज की गतिविधियों में शामिल करना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, शिक्षा और करियर गाइडेंस देने की बात हो, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना हो और हमारी विरासत और सभ्यता को संरक्षित रखना हो, भावसार क्षत्रिय महासभा भावसारों के प्रति समर्पित और केंद्रित एक ऐसा संगठन है जिसने सहायता, मिलने जुलने और समृद्धि की एक रीति विकसित की है। ABBK का मानना यह है कि गत 100 साल समाज बंधुओं के संगठन यानी सेंचुरी ऑफ बॉन्डिंग के रूप में बीते, परंतु आने वाले 100 साल समाज बंधुओं की समृद्धि यानी सेंचुरी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में मनाए जाएं। भावसार क्षत्रिय महासभा, सेवा आधारित एक सभ्यता, दृढ़ता की प्रतीक और उत्कृष्टता की एक विरासत है। तो बनिए हिस्सा इस सभ्यता का जिसका नाम है अखिल भारतीय भावसार क्षत्रिय महासभा।